नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिंटो स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे। और आज हम बताने वाले हैं इंडियन बैंक के अंदर अलग अलग स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पर पोस्ट निकली है, तो जिसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक है और जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर और बहुत सारी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले शुरू से बताता हूँ कि इस यहां तक आप कैसे पहुंचेंगे और आप किस तरीके से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, यहां पे टाइप कीजिए इंडियन बैंक। जब आप इंडियन बैंक यहां पे सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको यहां पे indianbank.in करके जो वेबसाइट मिलेगी यहां पे आपको जाना है। इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इंडियन बैंक की वेबसाइट खुलेगी। यहां पे आप ऊपर देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो यहाँ पे टैब आ रहा है, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट को आप इंग्लिश में देख सकते हैं या फिर हिंदी में। मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इंग्लिश पे यहाँ क्लिक करते हैं वैसे ही आपके पास ये पीडीएफ खुल जाएगी जिसके अंदर सारी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्जेस जो कुछ भी है सब कुछ ऑनलाइन है और एप्लीकेशन भी आपको ऑनलाइन ही भरना है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केल दी हुई है कि किस स्केल का है। यहाँ पे स्केल का मतलब होता है दोस्तों कि किस तरह की सैलरी आपको मिलने वाली है और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, काफी कम वैकेंसीज है क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है और साथ में यहाँ पे पोस्ट दी हुई है और यहाँ पे किस कौन सा रोल होगा, क्या काम करना है उसको और किस किस चीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई है। आप डिटेल में इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और आप अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है बढ़िया जॉब लेने का सीनियर लेवल पर। जहाँ पे अगर हम देखें कि चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर या मैनेजरियल पोस्ट हैं सारी, अगर हम यहाँ देखें फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम सिक्योरिटी सेल्स के अंदर ये वैकेंसीज हैं 7। अगर हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट में देखें तो 13 वैकेंसीज हैं जहाँ पे हर जगह मैनेजर की पोस्ट है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में 6 पोस्ट हैं और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में फिलहाल 25, 20, 30 और 50 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं अप्लाई। बाकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 2 हैं और प्रेमाइसिस एंड एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में 11 पोस्ट हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। रिजर्वेशन में आप देखें तो इतनी इतनी रिजर्वेशन है, सब चीज़ के बारे में डिटेल दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपकी रिजर्वेशन है उस हिसाब से आप इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में डिटेल्स हैं। अगर आप रिजर्वेशन के अंदर आते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लें। फिर यहाँ पे बैंक की जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केल 1 की सैलरी किस तरीके से होगी, स्केल 2 की किस तरीके से होगी, 3, 4, 5 और यहाँ पे DA, CCA, HRA, ये सारी चीजें जो हैं वो बैंक की कुछ अलग तरीके से होती हैं। तो आप उस हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले तो आप एग्जाम क्लियर करें और उसके बाद अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या फिर नेपाल, भूटान या फिर तिब्बतियन रेफ्यूजी जो है जो 1 जनवरी 1962 से पहले आ गया होगा इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के उद्देश्य से, वो हो सकता है। या फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद एज अगर हम देखें तो एज जो है 1/1/2018 से कैलकुलेट करी जाएगी और जो भी एज है ऊपर दी हुई है और यहाँ पे भी एज दी हुई है। एज का स्लैब जैसे 30 से 45 है, 27 से 40 है, जो सारी चीजें वो दी हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए जैसे एक वैकेंसी के बारे में पढ़ के बताता हूँ। जैसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर है तो इसको इस चीज में काम करना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, HP UX, लिनक्स, विंडोज के बारे में आना चाहिए। स्केल 5 है, वैकेंसी 1 है, एज जो है 30 से 45 होने चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए। एक्सपीरियंस 10 ईयर का होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, कई सारी चीजों में आपका एक्सपीरियंस होगा, कई सारी चीजों में आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप उन वैकेंसीज को ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल है, जिस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लगभग हर एक वैकेंसीज के अंदर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस है। तो आप एक बार जरूर चेक करें, अगर किसी चीज के अंदर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजरियल पोस्ट है तो देखिए जैसे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पे नील, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ऐसे आप सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं, उस हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है नील, असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पे नील नील आप देख रहे हैं। अपर एज लिमिट के अंदर ये देखिए ABCDEF, इन सबको इतने इतने तरह की इतने एज की रिलैक्सेशन दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चीज देखें यहाँ पे।
द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी एज फॉलो। सबसे पहले प्रोफेशनल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, नंबर ऑफ मार्क्स 60, ड्यूरेशन 60 मिनट। आपका ये एक टेस्ट होगा। ये जो यहाँ पे आप टेस्ट किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ध्यान से आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अप्लाई कब से कब तक करना है? 10 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक, यानी कि एप्लीकेशन की डेट अब स्टार्ट हो चुकी है। क्या क्या चीज़ें चाहिए? सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है। सारी चीज़ें आप, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो सिग्नेचर कैपिटल में नहीं करना, रनिंग हैंड में करना है। इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे पॉइंट स्किप हो सकते हैं, तो आप सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। देखिए, फीस जो है SC ST PWD के लिए 100 रुपये है और अदर कैटेगरीज के लिए 600 रुपीज़ हैं। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं कि सबसे पहले कैरियर टैब में जाइए, ठीक है, या जैसे indianbank.co.in पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे कैरियर्स का अगर ऑप्शन हो, यहाँ ये देखिए यहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे कैरियर के ऑप्शन जाने के बाद जैसे जैसे इसके अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है, उस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें प्रोसीजर वाइज करनी है। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड होगी। अब एक बार फीस आपने पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लें। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी हुई है कि यहाँ यहाँ ट्रेनिंग होगी, मतलब जो भी इसका प्रोसीजर है उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। कॉल लेटर के बारे में दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लें। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। मिस कंडक्ट या फिर अनफेयर मीन्स के बारे में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो दी हुई हैं। अब फोटोग्राफ्स किस तरह की चाहिए, गाइडलाइंस जो है हर एक, जैसे जनरल जो भी गाइडलाइंस हैं, इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम का जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी बैंक की वेबसाइट पे। और उसके बाद एग्ज़ाम का जो सेंटर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ एग्ज़ाम का सेंटर है। ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के अंदर 25 पेज का एडवर्टाइजमेंट है और सब कुछ क्लियरली दी हुई है। यहाँ से आप इसको सेव कर लें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। हमारे साथ जुड़े रहने का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।